ने परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से प्रार्थना की कि मुझे आप गीता समझाएं, मैं समझना चाहता हूं। तो आज गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज ने कहा, ये गीता अपने पिता से समझना। ये सब शक्तियां गुरुदेव ने दे रखी हैं। अब तो गीता में इतना आनंद आता है, रात्रि में भी स्वप्न में भी गीता का पाठ हो रहा होता है और इसको गुरुदेव स्वयं सुन रहे होते हैं। ब्रह्म धाम में सभा लगी होती है, पूज्य पिता अति प्रसन्न होते हैं और श्री स्वामी जी महाराज इसको स्वयं श्रवण करते हैं और भगवान कृष्ण से अपार आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यह अवस्थाएं वर्णनातीत है, परंतु इसमें जो रस है, जो इसमें निमग्न हो गया, फिर तो वह दिन रात इसमें रमन करता है और गुरुदेव कृपा और श्री राम कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। ये सारा मार्ग गीता का पाठ गुरुदेव ने ही वर्णन किया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दत्तचित होकर के गीता का पाठ करना, क्योंकि गीता का पाठ करना, सुनना, सुनाना ये ज्ञान यज्ञ है। भगवान ने कहा, इससे मैं पूजा जाता हूँ, मेरे पूजन की ये विधि है। ये पाठ परसों संपन्न हो जाएगा और महापूजन सायं 7 से 9 बजे तक। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। गोविंद मेरे गोपाल मेरे।